स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बिजनौर में एक मुस्लिम परिवार जो बाइक से जा रहा था, उस पर जबरन रंग डालने का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में हुड़दंगी बाइक पर बैठी मुस्लिम महिला के ऊपर जबरन रंग डालते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं युवक के चेहरे पर भी जबरन रंग लगाया जा रहा है, मगर पुलिस ने अब इन पर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार बिजनौर के धामपुर में मुस्लिम परिवार जो है वो दानिश और उसकी माँ और बहन को एक बाइक पर लेकर जा रहा था, तभी कुछ युवक इन्हें रोक लेते हैं और जबरन रंग से नहलाने लगते हैं। बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध व उसके 3 नाबालिग साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी के विरुद्ध 6 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने CCTV फुटेज को अपने कब्जे में लेते हुए शिनाख्त कर महिलाओं के साथ छेड़खानी और जबरन रंग डालने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल यानी कि 23 मार्च को दानिश पुत्र सत्तार अपनी माँ और बहन के साथ रोजे के हालात में दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे, तभी धर्म का चोला ओढ़े हुए इन युवकों ने जबरन इन्हें रोका, महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हुए उन्हें रंग से नहला दिया। दानिश की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। होली का पर्व है, शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहिए, लेकिन कुछ इसी तरह के हुड़दंगई जो दूसरों पे, दूसरे धर्मों के लोगों पर जबरन रंग डालते हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस ने जबरन रंग डालने वाले पर अब कार्रवाई की है। आज सुबह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे एक वीडियो का बिजनौर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग, एक फैमिली जो कि मोटरसाइकिल पे जा रही थी, उसको जबरन रोक के उसको हरास कर रहे हैं, उस पर जबरन रंग डाल रहे हैं। इन व्यक्तियों को बिजनौर पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से। CO धामपुर को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित फैमिली से व्यक्तिगत बात कर उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज कराएं तथा अपने पर्सनल सुपरविजन में समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई संपन्न कराएं। बिजनौर पुलिस सभी से अनुरोध करती है कि होली एक पवित्र त्यौहार है, इस त्यौहार के अवसर पर किसी को भी परेशान न करें, हरास न करें तथा किसी पर भी जबरन रंग न डालें। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध बिजनौर पुलिस कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू।